नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। किसी महान आत्मा ने कहा था कि गरीबी और दरिद्रता में अंतर होता है। अगर किसी गांव में सब बैलगाड़ी से चलते हैं तो वो गरीब हैं, लेकिन अगर उसी गांव में किसी के पास मोटर गाड़ी आ जाए तो बाकी के गांव वाले दरिद्र होंगे। लेकिन हमारी ये खबर जिद की है और जिद मापने का कोई पैमाना होता नहीं है। इंसान जिद्दी होता है, कुछ इंसान बहुत जिद्दी होते हैं। माता पिता अपने बच्चों की जिद से कई दफे परेशान भी दिखाई देते हैं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के जिद्दी होने की शिकायत भी करते हैं। जिद अच्छी और बुरी दोनों होती है। ये राइट ब्रदर्स की जिद ही थी कि आज इंसान बिना पंखों वाला प्राणी होते हुए भी आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज इसी जिद का नतीजा है। और एक जिद हिटलर की भी थी, जिसके निशान अनगिनत कब्रों की शक्ल में दुनिया के माथे पर आज भी मौजूद हैं। हरियाणा के यमुनानगर से एक अजीब जिद का मामला सामने आया है। एक लड़के ने अपने पिता से एक गाड़ी दिलाने को कहा। पिता नहीं माने तो इससे दुखी होकर लड़के ने अपनी पुरानी गाड़ी नहर में डुबा दी। क्या है ये जिद्दी मामला? मामला जिद का है। एक कारोबारी का बेटा जगुआर लेने की जिद कर रहा था। जगुआर होती है महंगी, 45-50 लाख से तो शुरू होती है, 2.5-3 करोड़ तक की भी आती है। बेटा इसी गाड़ी का कोई महंगा मॉडल लेने की जिद कर रहा था, लेकिन बाप उसे जगुआर दिला नहीं रहा था। बेटा अपनी गाड़ी लेकर गया और नहर में डुबा दी। और जब गाड़ी डूबने लगी तो बाकायदा उसने टिकटॉक वीडियो भी बनाया, अपने परिवार को वीडियो भेजा भी। लेकिन आपको हैरानी ये जानकर होगी कि लड़के ने जिस गाड़ी को नहर में डूबने के लिए छोड़ दिया था वो थी BMW। इस गाड़ी की कीमत भी 25-30 लाख से ही शुरू होती है। जो गाड़ी इस लड़के के पास थी वो थी 60 लाख की गाड़ी, और ये गाड़ी भी इस लड़के को कुछ महीने पहले ही इसके पिता ने दिलाई थी। इससे पहले लड़के के पास थी फॉर्च्यूनर और उससे पहले थी इनोवा। लड़का महंगी गाड़ियों का घना प्रेमी था, इसलिए अब चाहिए थी जगुआर। कुड़ी कहती, बेबी पहले जगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। क्या सोच रहा होगा ये लड़का? जिद पूरी ना होने से लड़का दुखी था। जाहिर सी बात है कि उसे अपना दुख बड़ा लगता होगा, बहुत बड़ा। बिहार, केरल, कर्नाटक, गुजरात में आई बाढ़ में फंसे लोगों से भी ज्यादा दुखी होगा लड़का। सबको अपने दुख बड़े लगते हैं, और दुख मापने का कोई भी पैमाना कहाँ होता है। पिता की अपनी मजबूरी रही होगी कि बेटे को 60 लाख की ही गाड़ी दिला सके, 2 करोड़ की नहीं दिला पाए। बेटे ने कहा, ठुकरा के मेरी जिद, मेरा इंतकाम देखोगे। गाड़ी धकेल दी नदी में, जिद थी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों और क्रेन की मदद से गाड़ी बाहर निकलवाई। हो ये भी सकता है कि अपनी 60 लाख की गाड़ी डुबोने वाले इस लड़के का दर्द हम ही ना समझ पा रहे हों। सबके अपने अपने दुख होते हैं। अपनी 60 लाख की गाड़ी में कितने भारी मन से बैठता होगा ये भाई, कितना सोच समझ कर गुणा गणित लगा कर इसने ये फैसला लिया होगा कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी, लाओ वो गाड़ी ही नदी में धकेल दो जिसकी वजह से जगुआर नहीं दिला रहे पापा। ये अपनी जिद पूरी करवाने का एक नया आविष्कार है और आइडिया भी क्रिएटिव है। जिद अच्छी चीज होती है अगर वो कुछ बनाने में काम आए, क्योंकि इसी जिद ने एक मोहनदास को महात्मा और सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। और किसी महान आत्मा ने यह भी कहा था कि जिद पालना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा अपने दम पर ही करना चाहिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यह पेज लाइक कर दीजिए, अगर यूट्यूब पे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एंड्रॉयड ऐप तो आ ही चुका है, डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।